हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर डुअल ऐप बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन का आपको क्लोन ऐप बनाना है तो कैसे बनाएंगे। इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं, अगर आपके पास का रेडमी का या पोको का कोई भी फ़ोन हो जिसमें आपका 13 का अपडेट आ गया हो, 13.1 का, उसके बाद आपको अपने फ़ोन के अंदर डुअल ऐप बनाने का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता है, तो इसी वीडियो में आपको बताएंगे कि अपने फ़ोन के अंदर आप डुअल ऐप कैसे बना सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन का क्लोन ऐप कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमने अपने फोन के अंदर एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा है प्ले स्टोर से, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है एक्टिविटी लॉन्चर, सिंपली यह देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको मिल जाता है एक्टिविटी लॉन्चर, इसे आपको ओपन कर लेना है। और जैसे आप इसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ से आपकी लोडिंग करता है, लोडिंग करने के बाद आपके फोन के अंदर जो एप्स वगैरह होते हैं वो सारे आपकी लोडिंग करता है। तो यहाँ से आपको वेट कर लेना है जब तक कि आपकी एप्लीकेशन लोडिंग करता है। तो यहाँ से हम वेट कर लेते हैं जब तक हमारा एप्लीकेशन ये लोडिंग कर रहा है। लोडिंग करने के बाद आपको इसमें कुछ सेटिंग देखनी है, सेटिंग जो मैं बताता हूँ वो आपको कर लेनी है, उसके बाद अपने फोन के अंदर आप डुअल ऐप बना सकते हैं बड़ी सिंपल से और आसानी से। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जैसे कि हमारा 78% हो गया, 80%, उसके बाद आपके ये कंप्लीट होने वाला है, 90% हो चुका है लगभग ये। ओके, कंप्लीट होने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। जैसे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है सर्च का, तो सर्च बार में आपको लिख लेना है डुअल ऐप। तो यहाँ से हम लिख देंगे डुअल ऐप, जैसे आप इसमें लिखेंगे डुअल ऐप तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर मिल जाती है डुअल ऐप सेटिंग, तो सिंपली आपको डुअल ऐप सेटिंग में आ जाना है, सॉरी डुअल ऐप नीचे मिल जाता है, सिंपली सेटिंग के नीचे डुअल ऐप पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप डुअल ऐप पे क्लिक करेंगे तो डुअल ऐप पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है।